हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सरगी ब्लॉग। इसको मैं इसी में निचोड़ूंगी। आज मैं अरवी और टमाटर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आप चाहिए तो फास्ट में भी खा सकते हो या फिर नॉर्मली डेज में भी खा सकते हो, और वो सबको बहुत ही पसंद आएगा। बच्चे भी उसको बार बार बनाने का फरमाइश करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये अरवी ले लिया है। अरवी को मैंने उबाल लिया है, ये देखिए इस तरीके से ये उबाल लिया है। इसको मैंने धो के पानी डाल के कुकर में रख दिया, एक सीटी आ गई, बस वही उतना इसको उबाला है। इसको छील लिया है। इसको मैं ना, जैसे देखिए ये इस वाली अरवी है ना, इसमें मैं ऐसे तीन टुकड़े कर देती हूँ। तो बस ऐसे मोटे मोटे से टुकड़े मैं बना लेती हूँ, सारी अरवी में ऐसे पीसेस कर देती हूँ। अरवी मैंने इस तरीके से छील के काट ली। दो टमाटर ले लिए हैं। टमाटर थोड़ा लाल वाले होते हैं ना, तो कलर ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि फास्ट के लिए बना रही हूँ। आप कभी भी बना सकते हो, लेकिन मैं फास्ट के लिए बना रही हूँ तो उसमें हल्दी नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने रेड कलर का टमाटर लिया है। तो मैंने रेड टमाटर ले लिया है, छोटे छोटे दो पीस अदरक ले लिया है, दो हरी मिर्ची लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कितना तीखा आपको खाना है। ये थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ती ले लिया है, और जो धनिया का ये डंठल होता है ना, उसको भी ले लिया है। बाकी पत्तियाँ निकाल के मैंने रख लिया, बाद में यूज़ करूँगी इसी सब्जी में। तो इसको मैं मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, उसका मैं टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया। अरवी फ्राई करूँगी पहले, तो फ्राई करने के लिए मैंने ये कढ़ाई ले लिया है। इसी में मैं एक टीस्पून घी डाल रही हूँ। हमारा गर्म हो चुका है, तो कढ़ाई में मैं इस तरीके से चारों तरफ घी को फैला देती हूँ, क्योंकि जो अरवी होती है ना, तो अरवी थोड़ी चिपचिपी सी होती है। सभी को पता ही होगा कि अरवी चिपचिपी सी होती है। इसको हल्का सा मैं रोस्ट करूँगी, तो इस तरीके से चलाती रहूँगी ना, कि हल्का सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा, और ये जो चिपचिपापन है इसका, इसका चिपचिपापन भी हट जाएगा। देखिए, जैसे कि अरवी का कलर भी चेंज हो गया है ना, और देखिए हल्का सा ही गोल्डन कलर में आ रहा है। एक ट्रिक है इसमें, क्योंकि अभी देखिए जैसे गोल्डन कलर में आ गया है, लेकिन हल्का सा इसमें चिपचिपापन है, बहुत हल्का सा, क्योंकि अरवी है तो चिपचिपापन तो रहेगा ही। तो इसी में मैं हाफ नींबू ली हूँ, मैं इसी में निचोड़ देती हूँ। तो जैसे देखिए भिंडी में भी हम नींबू डालते हैं ना, तो भिंडी का वो चिपचिपापन ख़त्म हो जाता है, उसी तरीके से है। ये हमारा अरवी देखिए गोल्डन कलर में भी आ गया, और इसका जो चिपचिपापन था ना, बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल चिपचिपापन नहीं है। तो एक ये हमारी ट्रिक है कि नींबू इसमें डाल सकते हो आप। फिर हमारी गोल्डन कलर में आ गई, इसको मैं निकाल लेती हूँ। उसी कढ़ाई में मैं एक टीस्पून घी डाल रही हूँ। इसी में हाफ टी स्पून जीरा डाल रही हूँ, आपकी चॉइस है। आपको अगर अजवाइन डालना है तो अजवाइन भी आप डाल सकते हो। जीरा हमारा चिटक चुका है, जो मैंने ये पेस्ट बना लिया टमाटर और धनिया वगैरह का ना, उसको इसमें डाल देती हूँ। तो ये टमाटर का पेस्ट डाल के इसको हमें चलाते हुए पका लेना है। इसको जो मसाला है ना, मसाला थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। गैस को मैं मीडियम पे कर देती हूँ। तो मैं तो फास्ट के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मुझे और कोई मसाले तो डालने नहीं है। लेकिन आप अगर नॉर्मल डेज में बना रहे हो, तो आपको जो चॉइस है आपकी, आप वो मसाले डाल सकते हो। तो मैं 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, घर का बना हुआ है। 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रही हूँ, इसमें और कुछ नहीं डालूंगी। आपकी चॉइस है, आप चाहिए तो लाल मिर्ची डाल सकते हो। हाँ, घर का कुटा हुआ अगर लाल मिर्च पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हो। फास्ट में बस यही इतना खाते हैं। बाकी मसाले मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बाकी लोग धनिया पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप वो डाल सकते हो। तो आप जितना मसाले जो खाते हो फास्ट में, आप वही यूज़ करें। तो इसलिए मैं ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाल रही हूँ, लेकिन बिना मसालों का भी ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होगी। ये टमाटर का जो पेस्ट है ना, ये काफ़ी हद तक पक चुका है। तो आप चाहिए तो इसी में दूध की जो मलाई होती है ना, आप वो डाल सकते हो, क्रीम डाल सकते हो। लेकिन मैंने 1 टेबल स्पून दही लिया, दही लेके अच्छे तरीके से फेंट दिया है। तो यही दही मैं यूज़ कर रही हूँ। दही डाल के भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। देखिए, मसाला हमारा पक रहा है। जो दही डाल दिया है ना, वो दही में जो फैट होता है, या घी तेल कह लीजिए, वो रिलीज़ करता है। तो देखिए, ऊपर ऊपर वही घी तेल ही रिलीज़ किया है दही ने। तो दही डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो ज़्यादातर सब्जियों में डालती हूँ दही। डालिए या फिर दूध की मलाई होती है, दूध की मलाई भी आप डाल सकते हो। तो मसाला हमारा अच्छे तरीके से ये पक चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ है, उसको भी इसी में डाल के मैं मिक्स कर लेती हूँ। क्योंकि ऊपर से तो हम डालते हैं, लेकिन जब हम मसाले में डाल के अगर हम पकाते हैं धनिया पत्ती को ना, उसका टेस्ट अलग ही आता है। जैसा फास्ट है, तो फास्ट में मैं कसूरी मेथी नहीं यूज़ करूँगी, जो कि वो भी पत्ती ही है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने धनिया पत्ती इसमें डाल दिया है। अभी देखिए, मसाला हमारा एकदम गाढ़ा सा मसाला बन के तैयार हो गया है। और इधर अरवी को जो मैंने रोस्ट कर लिया है ना, देखिए एक एक अरवी उठा के देखिए, क्योंकि वो जो मैंने हाफ नींबू निचोड़ दिया था ना, और इसको रोस्ट भी कर लिया था। अरवी की क्वांटिटी के हिसाब से मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। अभी अरवी को मैं चला लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ।
इस तरीके से बना के आप रोटी पराठा अगर नॉर्मल डेज में बना रहे हैं, फास्ट नहीं है, तो भी आप रोटी पराठा के साथ खा सकते हो। बहुत टेस्टी अरवी की सब्जी बन के तैयार हुई है। इस तरीके से आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइए। इसको मसालों के साथ मिक्स कर दे रही हूँ, थोड़ी देर भी पका लेती हूँ। जो लोग अरवी नहीं खाते होंगे ना, वो भी अरवी खाना शुरू कर देंगे। अभी सभी कुछ इसमें मिक्स हो गया है, इसको ऐसे कवर कर देती हूँ। स्लो गैस पे इसको 2 से 3 मिनट में पकने देती हूँ। आइए मैं सब्जी चेक कर लेती हूँ। देखिए ना, ये साइड साइड से तेल घी छोड़ दिया है। जो घी डाली हूँ, जो दही डाली हूँ, उसकी वजह से बहुत लाजवाब सब्जी बन के तैयार हुई है। देखिए बहुत टेस्टी लग रही है, देखने में ही लग रहा है बहुत टेस्टी बनी हुई है सब्जी। ये देखिए सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। अभी गैस मैं बंद कर देती हूँ। मैंने एक हरी मिर्ची को 2 स्लाइस में ऐसे काट लिया है, इसको ऐसे डाल देते, देखने में भी अच्छा लगेगा और जिनको तीखा खाना हो तो उनके लिए वो मिर्ची भी डल गई। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के बस इसको मिक्स कर लेते हैं और खाने के लिए सर्व कर देते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, मेरी अरवी की सब्जी बन के तैयार हो गई है। इस तरीके से आप लोग भी बनाइए, बिना भूख के ही आप लोग खाएंगे। नॉर्मल डेज में भी बना के खाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगेगी। और इसके साथ रोटी, चपाती, कुछ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।